हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर इज इन रनिंग. चैप्टर आपका फिफ्थ चल रहा है. दैट वाज कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम. ओके, दिस वाज अ चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक. चैप्टर 5, कोल एंड पेट्रोलियम. आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोल इन द प्रीवियस वीडियो. वॉट इज द कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल. सम टॉपिक्स आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर. फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोल, कि हाउ द वुड इज कन्वर्टेड इन टू द वेरियस स्टेजेस ऑफ कोल. सो वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. कोल से हमें कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है. ये हमने कॉन्सेप्ट किया था. तो एक बार जस्ट आई एम डिस्कसिंग नाउ, so that in just in short I am explaining the concept of previous class, so that you can remind the concept. Then I will just start, then so you can remind it, and that then I will discuss the concept of petroleum. ठीक है. So first about what is the coal. आपको बताया था मैंने coal क्या होता है. Coal is just like a black stone. एक black stone होता है, that is very hard, and it is formed by the आफ्टर डिकम्पोजिशन ओवर ए मिलियन ऑफ ईयर्स. की जब किसी भी बॉडी का, डेड बॉडी का वो जो पार्ट जो कि अनडिकम्पोज हो जाता है, दैट इज प्रेस डाउन इन द अर्थ के अंदर प्रेस्ड हो जाता है, ठीक है. सो वी कैन से वॉट इज द कोल. इट इज अ हार्ड स्टोन, वेरी हार्ड स्टोन, एंड इट इज जस्ट लाइक द ब्लैक इन कलर. कैसे कलर का होता है, मैंने आपको बताया था. कोल ब्लैक कलर का. इट इज अ फॉसिल फ्यूल. क्या होता है, एक फॉसिल फ्यूल है. फ्यूल का मतलब होता है फ्यूल, फॉसिल ऑफ फ्यूल, यानी एक काइंड है, फॉसिल फ्यूल का ही काइंड है. तो व्हाट इज द फॉसिल फ्यूल, आपको मैंने बताया था कि फॉसिल फ्यूल, फॉसिल का मतलब कि किसी डेड बॉडी का वो पार्ट जो डिकम्पोज नहीं होता, दैट इज प्रेस्ड अगेन एंड अगेन इन द अर्थ, ठीक है. अर्थ में धीरे धीरे प्रेस्ड हो जाता है, एंड अंडर द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट कन्वर्ट इन टू द फ्यूल, सो दैट इट कैन गिव हीट ऑन बर्निंग. यानी फ्यूल द सब्सटेंस विच गिव हीट ऑन बर्निंग. ऐसा सब्सटेंस जो हमें बर्न करने पर हीट प्रोवाइड करता है, सो दैट इज कॉल्ड कोल. कोल कहलाता है, ठीक है. सो कोल इट इज यूज इन इंडस्ट्रियल पर्पज और फॉर डोमेस्टिक फ्यूल, फॉर हीटिंग, है ना. एंड हीटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है. आपके थर्मल पावर स्टेशन में भी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करते हैं. सो दीज आर द वेरियस यूजेज ऑफ कोल, ठीक है. तो नेक्स्ट आपके, ये मैंने बताया कि वॉट आर द फॉसिल कोल जो है आपके, देखिए. सो जस्ट लाइक कोल, क्योंकि कोल इट इज अ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, मैंने आपको बताया था. दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. रिसोर्सेज का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हमारी नीड को फुलफिल करते हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. द थिंग्स विच आर नीडेड फॉर आवर सर्वाइवल, सो दीज आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर बाय ह्यूमन मेड, ठीक है. जो हम ह्यूमन मेड से तैयार करते हैं और बाय हमें नेचर से प्राप्त होती है. सो द नेचुरल, अब नेचर से कुछ चीजें ऐसी होती है कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती, बनती रहती है, अगेन एंड अगेन फॉर्म होती है. सो दे आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है. लेकिन क्योंकि कोल आर द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल यानी दीज आर ऑब्टेन बाय द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स अंडर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. तो देखिए, क्योंकि कोल जो है डेड रिमेन्स से बनता है, डेड बॉडी के पार्ट्स जो कि डिकम्पोज अनडिकम्पोज हो जाते हैं, वो मिलियन ऑफ ईयर्स टाइम लेते हैं और फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इन प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है. मान लीजिए कि कहीं जहां पर बहुत सारा कोल बन गया है, ठीक है, इसको ओवर ऑफ मिलियन ऑफ इयर्स लगे, और अगर हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर ले, तो धीरे 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 ये पूरा जो कोल की जो माइन है, जहां पर कोल इकट्ठा है, वो सारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा. उसको बनने में फिर से दोबारा टाइम लग जाएगा. सो वी कैन से इट इज कैटेगराइज्ड एग्जॉस्टिबल फ्यूल. क्या कहलाता है, एग्जॉस्टिबल फ्यूल, बिकॉज इट इज लिमिटेड इन नेचर. लिमिटेड नेचर का, इसको लिमिटेड क्यों कहा है, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. किससे बनाए ये, लिविंग ऑर्गेनिज्म से. सो क्योंकि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो डेड पार्ट जो कि डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है, उससे ये फॉर्म होते हैं. एंड दे आर लिमिटेड नेचर इन स्टॉक. स्टॉक में हमारे लिमिटेड है. वंस एग्जॉस्टेड दे फॉर्म्ड अगेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इनको बनने में दोबारा समय लगेगा. सो वी कैटेगराइज एज अ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है. और जल्दी से रिन्यू नहीं होते, बहुत टाइम होता है. अभी एक बार आपने मिलियन, इतने पूरी खान को बनने, इतने पूरे स्टॉक को बनने में मालूम मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, और अगर ये पूरा स्टॉक खत्म हो जाए तो उसको दोबारा उतने ही मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. तो हमें, तो हमारी धरती पर जो है एनर्जी क्राइसिस क्रिएट होगा. सो वी कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल
जो है ये रिसोर्सेज कहलाते हैं, जबकि ऐसे रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन नेचर एंड दे फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन, जो कि अगेन एंड अगेन हमारे फॉर्म्ड होते रहते हैं, अगेन एंड अगेन, समझ रहे हैं, अगेन एंड अगेन फॉर्म्ड होते रहते हैं, जो हमारे नेचर में अगेन एंड अगेन फॉर्म होते हैं, दे आर कैटेगराइज एज अ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं, इट इज अ रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल का मतलब हो गया आपके जो कि जैसे आपके एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे। अगर मैं इसमें बात करूं तो मिनरल्स हो गए, मिनरल्स हैं जमीन के अंदर है, इनका स्टॉक है, लिमिटेड है, अगर आप उनको यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको हम किस में डाल सकते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सब इनके स्टॉक है, लिमिटेड है, वंस सिक्वेस्टर्ड दे विल फॉर्म्ड अगेन ओवर अ मिलियन ऑफ इयर्स, फिर दोबारा उतने ही कई करोड़ों साल लग जाएंगे इनको बनने में, सो दे आर कैटेगराइज एज द एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। ये बात हुई इसकी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कोल जो होता है एक फॉसिल फ्यूल है, ये बात हो गई हमारी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन एलिमेंट दैट इज कार्बन, इसके अंदर जो मेन एलिमेंट होता है दैट इज कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट कितना है, ठीक है, कार्बन कितना है उसके अकॉर्डिंगली इट इज ऑफ ब्लैक इन कलर, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक है, देखने में काला पत्थर लगता है, हार्ड स्टोन है, सो इट इज अ एंड इट इज अ फॉसिल फ्यूल, क्या कहलाता है, ये फॉसिल फ्यूल है, एंड टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। अब कोल का जो फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन, अगर मैं पहले बात करूं फॉर्मेशन ऑफ कोल की, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अबाउट 300 मिलियन ऑफ ईयर्स, 350 ऐसे हम कह सकते हैं कि 300 मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। तो पहले क्या था, इतने सालों पहले की बात हो रही, तो अर्थ पर बहुत ज्यादा पूरी अर्थ जो है डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे हमारी अर्थ पर, सो वी कैन से अर्थ इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट, अर्थ पर हमारी धरती पर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते थे। तो अब कोई भी ज्योग्राफिकल चेंज आया, या आपके नेचुरल डिजास्टर्स है, या अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, इन सब की वजह से ये फॉरेस्ट दब गए, मिट्टी में दब गए, ठीक है, एंड जो पार्ट उनका डिकम्पोज होना था वो होता गया, और जो नहीं डिकम्पोज हुआ दैट इज प्रेस्ड अनडिकम्पोज पार्ट जो था, ठीक है, यानी जो फॉरेस्ट थे डेंस फॉरेस्ट एंड कवर्ड, सॉरी ब्यूरिड हो गए सॉइल के अंदर, समझ रहे बात, यानी जब हमारी अर्थ पर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे आपके ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से या डिजास्टर्स की वजह से, उनकी वजह से आपके जो फॉरेस्ट हो गए सॉइल में ब्यूरिड हो गए, और फिर उनका जो पार्ट डिकम्पोज हो रहा था वो हो गया, अदरवाइज जो अनडिकम्पोज पार्ट है, जो अनडिकम्पोज पार्ट है प्रेस जो होता चला गया, प्रेस बाय प्रेसिंग है, लेकिन और इस प्रेसिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता जा रहा है, प्रेसिंग होती चली गई, ठीक है, अंडर द सॉइल, समझ आ रहे हैं, मैं प्रेसिंग बना रही हूँ, ठीक है, प्रेसिंग होती गई इन द सॉइल। अब देखिए, अब जैसे जैसे सॉइल के अंदर प्रेसिंग हो रही है, ठीक है, इस सॉइल में जब कोई चीज हम प्रेस करते हैं, प्रेस का मतलब पैसे आयरन नहीं करना, प्रेस्ड दबाना उसको, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं बलून ले लूं, इस टाइप का बलून है ये, ठीक है, और इस बलून में अगर मैं वाटर फिल कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस बलून में वाटर फिल कर दूं और इसको ऐसा प्रेस्ड करूं, तो ऐसे पानी एक्सपेल कर जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ पर कि जो अनडिकम्पोज पार्ट है, ठीक है, अनडिकम्पोज पार्ट है, तो बेसिकली फॉरेस्ट जो है दबे, उनका जो वुड है वो धीरे धीरे प्रेस्ड होता जा रहा है, क्योंकि वुड जो है डिकम्पोज नहीं होती, तो जो वुड है, जो अनडिकम्पोज पार्ट है वुड, वो प्रेस्ड होता जा रहा है, ठीक है, और इस प्रेसिंग में धीरे धीरे उसके अंदर वाटर की जो कंटेंट है, वाटर कंटेंट एक्सपेल होता जाएगा, ठीक है, विल एक्सपेल, ये वाटर कंटेंट कितना एक्सपेल हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितनी प्रेसिंग हो रही है। तो जैसे से ये जो अनडिकम्पोज पार्ट है, अनडिकम्पोज पार्ट हो गया यहाँ पे वुड, वुड यानी सेलुलोज मटेरियल, जो लकड़ी का जो सेलुलोज होता है, लकड़ी मतलब सेलुलोज होता है उसके अंदर ये, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यहां से प्रेस्ड होता जाएगा, प्रेसिंग में वाटर जो कंटेंट है वो एक्सपेल होता जाएगा, कितना परसेंटेज पानी बाहर निकला है वो डिपेंड करता है कि कितनी प्रेसिंग हुई है, और उसमें धीरे धीरे वाटर कंटेंट तो प्रेस होता जाएगा और कार्बन कंटेंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, कार्बन कंटेंट जो होगा वो इंक्रीज होगा, समझ आ रही बात, कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा तो उसका कलर भी चेंज होता रहेगा, कार्बन, क्योंकि आप जानते कार्बन जो है वो कोयला, यानी उसका कलर काला होता है, लकड़ी का कलर ब्राउन होता है, तो धीरे धीरे कलर में चेंज जाता रहेगा। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जब प्रेसिंग होगी तो वुड जो है, अब इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, देख रहे हैं, वाटर की एक्सपेलिंग हो जाएगी, अब कुछ परसेंट पानी बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें से अब 35% जो है, अब जो कोल की फर्स्ट स्टेज बनेगी दैट इज द पीट, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दैट इज द जो कलर है इसका, लाइट जो वुड का जो कलर होता है उसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा यहाँ पर, डार्क ब्राउन लकड़ी के कंपेरिजन में बात कर रही हूँ,
फीट का कलर एंड इट इज सॉफ्ट इन नेचर, ये सॉफ्ट कलर का होगा एंड इसमें केवल 35% ही कार्बन होता है क्योंकि वाटर की कंटेंट बहुत ज्यादा रहती है. सो ये इट इज नॉट अ, इट इज अ लोअर ग्रेड ऑफ कोल कहलाता है. बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है, मैंने आपको बताया था. इसे पानी कंटेंट बहुत ज्यादा है, सो इट गिव्स लेस अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है. अब अगर यहां से इस स्टेज पर इस कोयले को नहीं निकाला जाए तो इट फर्दर जो है गोज डाउन डीपर एंड डीपर इन द सेक्शन ऑफ सॉइल. धीरे धीरे फिर ये प्रेस होता जाएगा. अब ये भी और प्रेस, मोर प्रेसिंग होगी इसकी, ठीक है. अब जैसे जैसे और प्रेसिंग हो गई, इसकी और प्रेसिंग होगी तो अब इसका, इसमें से जब और प्रेसिंग हो रही है तो इसमें जो पानी था वो और बाहर निकल गया, समझ रहे, वाटर एक्सपेल हो गया. जब इसमें से वाटर एक्सपेल हो जाएगा तो अब इसका कलर, अब इसमें कार्बन, वाटर एक्सपेल होता है कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है, तो फिर अब इसमें कार्बन इंक्रीज हो जाएगा तो कलर फिर और ज्यादा चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर जो नई स्टेज बनती है वो होती है लिग्नाइट, ठीक है, जो लिग्नाइट बन गई. अब ये लिग्नाइट है, ये कोल की नेक्स्ट फॉर्म है लिग्नाइट, क्योंकि यहां से हर स्टेज पर वाटर एक्सपेल हो रहा है तो कार्बन इंक्रीज भी हो रहा है. तो अब यहाँ पे कार्बन इंक्रीज हो गया, इस स्टेज पे कार्बन की अमाउंट होती है 35% टू 50 के बीच में रहती है. तो ऑब्वियसली कार्बन इंक्रीज हो रहा है तो कलर भी चेंज हो गया, यानी कलर इसकी कंपेरिजन में और मोर डार्क ब्राउन होता है, मोर डार्क ब्राउन, ठीक है. नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, इट कंटेंट्स मोर वाटर कंटेंट सो इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हीट, है ना. इसके बाद अगर मैं इसकी, इफ द लिग्नाइट वॉज नॉट रिमूव सो इट गोज फर्दर प्रेसिंग, फर्दर प्रेसिंग जाता है, यानी दोबारा से इसकी प्रेसिंग होती रहती है. कह सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा से प्रेसिंग हो रही है, यहाँ पर मोर एंड मोर प्रेसिंग, मोर एंड मोर प्रेसिंग, ठीक है. जैसे मोर एंड मोर प्रेसिंग का मतलब अर्थ के ना नीचे ज्यादा जा रहा है, ठीक है, और जाएगा तो जितनी ज्यादा उसको दबाएंगे उतने से फिर पानी बाहर निकलेगा. फिर वही बात है कि मोर एंड मोर वाटर कंटेंट बाहर निकलेगा, मोर एंड मोर वाटर कंटेंट, ये बाहर निकल गया. ऐसे जब पानी बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली कार्बन की कंटेंट इंक्रीज होगा. जब इसमें से कार्बन की कंटेंट इंक्रीज होगी तो कलर भी ज्यादा और डार्क हो जाएगा. इट मीन्स कि यहाँ पर जो फॉर्म होगा दैट इज अ बिटुमिनस, ठीक है, समझ आ रही है इसकी साइकिल क्या है. बिटुमिनस बनेगा. अब ये जो बिटुमिनस कोल बना, इसमें पानी की अमाउंट बहुत कम है लेकिन अब कार्बन बहुत इंक्रीज हो गया, सो इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ कार्बन, दैट इज 50 to 85% इसमें कार्बन रहता है. सो इट इज ब्लैक इन कलर. कैसा होता है ये ब्लैक कलर का? इट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल एंड गुड क्वालिटी का है कोल. इट इज अ हाउस होल्ड कोल, क्योंकि ज्यादातर इसमें 50% 85% तक इसमें कार्बन अच्छी अमाउंट में रहता है, अच्छी अमाउंट में हीट देता है. सो ज्यादातर जो है ये बिटुमिनस कोल जो है यूज किया जाता है फॉर हीटिंग पर्पज, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में, हाउस होल्ड में भी, ठीक है. आपके नेक्स्ट है, अगर यहां से इस कोयले की स्टेज को रिमूव नहीं किया जाए देन इट गोज फर्दर ऑन प्रेसिंग, दोबारा से प्रेसिंग होगी इसकी, मोर एंड मोर प्रेसिंग, मोर एंड मोर प्रेसिंग, ठीक है. अगर हम इस कोयले को, बिटुमिनस की स्टेज का कोयला अगर हम रिमूव नहीं करते देन इट गोज फर्दर ऑन प्रेसिंग एंड प्रेसिंग, दोबारा से प्रेसिंग भी जाएगा तो फिर ऑब्वियसली जितना पानी बचा है वो भी बाहर निकल जाएगा. अब यहां पर देखिए बिटुमिनस में मान लीजिए 85% है इसमें कार्बन, कार्बन अगर 85% है तो पानी की अमाउंट कितनी बची, 15% बची, ठीक है. तो अब इसमें पानी तो बहुत कम रह गया है लेकिन अब ये फर्दर दोबारा से और नीचे जाता जा रहा है तो और प्रेसिंग होगी, तो अब इसमें पानी जो है और बाहर निकल जाएगा. तो अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट इज द एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट स्टेज है कोल की नेक्स्ट, फोर्थ स्टेज. दिस इज अ हायर ग्रेड ऑफ कोल, अच्छी क्वालिटी का, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कोल है, क्योंकि अब इसमें 90 to 95% के बीच में कार्बन रहता है. कितना है 90 C मतलब कार्बन, ठीक है, 90 to 95% कार्बन है. अगर मैं मान लो कहूँ 95% अगर कार्बन, तो पानी कितना हुआ, सिर्फ 5% पानी हुआ, वाटर कंटेंट इज वेरी लेस, ठीक है. सो इट गिव्स मोर, कार्बन की अमाउंट ज्यादा होती है, सो इट इज डार्क ब्लैक इन कलर, डार्क ब्लैक इन कलर, ये बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक होता है एंड प्रोड्यूस द मोर अमाउंट ऑफ हीट एंड इट इज कॉल्ड एज अ हायर ग्रेड ऑफ कोल, ठीक है. ज्यादातर बिटुमिनस यूज कर लिया जाता है, इसका वेट नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको बनने में, तो ज्यादातर आपके इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड पर्पज से इसका कोयले का यूज किया जाता है, लेकिन ये दोनों ही अच्छी क्वालिटी के कोल माने जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. ये मैं टॉपिक रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने इस टॉपिक के बारे में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है. सो आई एम रिमाइंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट आई विल स्टार्ट आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है. बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, बाय प्रोडक्ट का मतलब कि हमें कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं. वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक कोक, सेकेंड इज दैट कोल टार, थर्ड वन इज दैट कोल तार, एमोनिकल लिकर बोलते हैं इसको, एंड देन फोर्थ वन इज दैट आपके कोल गैस,
ठीक है, दिस वॉज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल दैट वॉज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कोल के, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? इट मींस कि व्हेन द कोल इज हीटेड, कोल को हीट किया जाता है अबाउट द 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस पर. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर कोल को हीट किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ द 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस इन एब्सेंस ऑफ एयर. समझ रहे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब हम कोल को हीट करते हैं वी गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल तार, अमोनिकल लिकर एंड कोल गैस. दिस वॉज ऑब्टेन्ड. ठीक है, सो दे हैव ऑल्सो डिफरेंट यूजेस. देन अब मान लीजिए जो हमारा कोल है, कोल को कैसे हीट करते हैं. देखिए, जब हम एक उसमें जब कोल को हीट किया जाता है, एक बड़ी सी फर्नेस होती है, यहाँ पर कोल को हीट करते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस अप टू हीट किया जाता है. जब कोल को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज होती है, ऐसी इम्प्यूरिटीज जो वेपर्स में हमारी चेंज हो जाती है, वो सारी इम्प्यूरिटीज बाहर निकल जाती है. तो जैसे हम कोल को हीट करते हैं, ठीक है, तो ये पाइप लगे होते हैं इस टाइप से. ठीक है, तो अब यहां से जो कोल है, जब कोल को आप इतने टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं तो इसके अंदर से ऐसी वेपर्स की फॉर्म में वोलेटाइल इम्प्योरिटीज ठीक है, जो कोल के अंदर प्रेजेंट है वो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज बाहर निकाल देता है. वोलेटाइल का मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज जो भी दैट कन्वर्ट इनटू द वेपर फॉर्म. ठीक है, जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सो आसानी से वो बाहर निकल जाती है. अब जो चीज वोलेटाइल नहीं है उस कोल के अंदर, जो चीज वोलेटाइल है वो तो वेपर्स की फॉर्म में आ गई, और जो चीज वोलेटाइल नहीं है वो बच जाती है. इट मींस यहां पर जो रेसिड्यू रह जाता है दैट इज द मेनली दैट इज कॉल्ड कोक. कोक कहलाता है. यानी अगर मैं कहूं, अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं, तो कोल में से अगर मैं वोलेटाइल माइनस वोलेटाइल मैटर, ठीक है, वोलेटाइल मैटर को अगर मैं बाहर निकाल दूं दैट इज कॉल्ड कोक. क्या बच जाएगा यहाँ पर? कोक बच जाएगा. तो यहाँ पर यही है कि जब कोल को इतने टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, देन द रेसिड्यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड दैट इज कॉल्ड कोक. ठीक है, तो यहाँ पर जो कोक बचेगा, इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ द 98 or 99% ऑफ द कार्बन, जहां पर नो इम्प्योरिटीज. कार्बन 98 to 99% कार्बन है, बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन है, बट नो इम्प्योरिटीज. नो 98 or 99 प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाती है नो इम्प्योरिटीज. कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, सो इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है, कोक है. वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज यहां से बाहर निकली है. ठीक है, स्पाइक के जरिए बाहर निकलती है वेपर्स की फॉर्म में. अब इन इम्प्योरिटीज को हम एक वॉटर के अंदर कलेक्ट कर आई जाती है. यहां पर भी ये पानी है, इसके अंदर इस इम्प्योरिटीज को कलेक्ट कराते हैं. अब यहां पर भी इम्प्योरिटीज दो टाइप की होती है, एक तो होती है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, और एक वो होती है इम्प्योरिटी जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है. ठीक है, जो इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल है वो आके नीचे सेटल डाउन हो जाती है, एक स्टिकी सी का विस्कस लिक्विड बनता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा विस्कस लिक्विड बन जाता है. स्टिकी एंड चिपचिपा विस्कस गाढ़ा लिक्विड. ठीक है, ऐसा लिक्विड जो होता है दैट इज डार्क ब्लैक कलर का होता है, दैट इज अ टैरी मटेरियल. टैरी का होता है चिपचिपा सा. ठीक है, वो स्टिकी मटेरियल होता है जो कि इनसॉल्युबल है, तो वाटर में नीचे सेटल डाउन हो जाता है. दैट इज कॉल्ड कोल तार. इसको हम कहते हैं कोल तार कहलाता है. ठीक है, अब यहां पर कुछ इम्प्योरिटीज जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो गैस की स्टेट में ही रहती हैं, और जो इम्प्योरिटीज यहाँ पर गैस की स्टेट में ही रहती हैं वो अलग से पाइप से उनको बाहर निकाल लेते हैं. सम ऑफ द इम्प्योरिटीज रिमेन इन द गैसेस स्टेट एंड कम्स आउट फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ गैस दैट इज कॉल्ड कोल गैस. इसको जो गैस की इम्प्योरिटीज रहती है, गैस की फॉर्म में रहती है, वो कोल गैस की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, अब इसके बाद कुछ है जो इसके अंदर पानी में डिजोल्व हो गई है. अब पानी में जो डिजोल्व हो गई है, ठीक है, तो इस सोल्यूशन को कहते हैं अमोनिकल लिकर. अमोनिकल लिकर कहलाती है. क्या कहलाती है? ये अमोनिकल लिकर कहलाती है. तो इस टाइप से हमारे पास जो है इम्प्योरिटीज यहाँ फॉर्म होती है. ठीक है, समझ रहे बात? तो अब देखिए यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज है नीचे बैठ गई, वो स्टिकी विस्कस लिक्विड हो गया. कुछ सॉल्यूशन में पानी में डिजोल्व है, वो अमोनिकल लिकर कहलाता है. कोल गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है. तो इस टाइप से हमारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड दिस प्रोसेस वी गेट द फोर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बने हैं इसके, देखिए एक है आपका जैसे कि यहां देखेंगे अभी हमारे पास कौन कौन से थे. सबसे पहले हमने लिखा कोक. कोक इज प्योरेस्ट कार्बन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन की प्योर फॉर्म, इट कंटेन्स मेनली कार्बन होता है. 98 to 99% ऑफ कार्बन इसमें
ठीक है। दूसरी बात कि इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, में भी यूज कर सकते हैं इसको फॉर हीटिंग के लिए। बहुत गुड क्वालिटी का फ्यूल है, सो इट प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं इसको। दूसरी बात, मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रोसेस में यूज किया जाता है, जैसे रिड्यूसिंग एक्सट्रैक्शन, जब मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है, मेटलर्जी प्रोसेस होता है। आप 10th में पढ़ेंगे कैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है उस दौरान इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है इन मेटलर्जी प्रोसेस। ठीक है, मेटलर्जी जो प्रोसेस होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो यहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो प्रोसेस चलता है उसमें हमारा ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी कोल गैस, जो मैंने आपको बताई थी, गैस की फॉर्म में ही, रिमेनिंग गैस की फॉर्म में रहती है इसकी स्टेट, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मीथेन। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, समझ रहे बात, और ये आपका है मीथेन। इनका ये मिक्सचर कहलाती है हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन कोल गैस, एंड इट इज यूज फॉर लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग और हीटिंग इनके लिए यूज, पहले लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता था, बट ज्यादातर आजकल ये इसको हीटिंग पर्पज पे यूज किया जाता है। ठीक है, हीटिंग में डोमेस्टिक फ्यूल के काम करता है, ये इंडस्ट्री में भी काम आती है हीटिंग पर्पज के लिए, लेकिन पहले लाइटिंग में ज्यादातर यूज किया जाता था इसको। अब इसके बाद आता है आपका कोल तार। मैं अगर कोल तार की बात बताऊं, कोल तार जो एक वेरी टेरी सब्सटेंस है, टेरी मतलब स्टिकी टाइप सब्सटेंस है, एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर है। यहाँ पर अनप्लीजेंट ऑर्डर का मतलब हो गया कि अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ही बेकार स्मेल, ऐसा लगता है कोई तार जलते, जैसे आप वायर जलाते हैं तो उसकी गंदी सी स्मेल आती है, इस टाइप की अनप्लीजेंट यहाँ पर ऑर्डर है। टेरी सब्सटेंस है, विस्कस लिक्विड है, बहुत ही गाढ़ा है, ये विस्कस लिक्विड है। ज्यादातर इसका जो यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है, लाइक आपके सिंथेटिक फाइबर हो गया, समझ रहे बात, प्लास्टिक हो गई, पेंट हो गया, ये इन सब प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, आपके डाइज हो गई, ड्रग्स हो गई, इन सब के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है ये कोल तार। इनको बनाने में यूज किया जाता है, एंड हाउएवर इट्स ऑल्सो यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। ठीक है, सड़क को बनाने, आप देखा वो सड़क बस बिछाई जाती है तो उसमें जो कंक्रीट होती हैं उनको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा लिक्विड, काला सा लिक्विड होता है, एक मशीन सी होती है उनके पास, उसमें काला काला लिक्विड होता है, दैट इज अ कोल तार। उसको गर्म करते रहते हैं ताकि वो चिपके ना, फ्लूड स्टेट में रहता है, गर्म करते रहते हैं, मेल्ट होता रहता है, और फिर उसके अंदर क्या करते हैं, उस स्टिकी से सब्सटेंस में वो कंक्रीट डाल देते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी लिक्विड मिक्सचर को, कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है उसको सड़क पर बिछा देते हैं। ठीक है, सूखने के बाद वो टाइट हो जाता है, तो इस तरह से वो रोड को बिछाने में काम आती है, कोल तार यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब आजकल कोल तार की रिप्लेसमेंट पर एक नया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा है इससे कंपेरिजन में, दैट इज अ बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन कोल तार का भी यूज किया जाता है, लेकिन अब आजकल कोल, ये तो कोल तार, इट इज द कोल प्रोडक्ट, ये कोल का प्रोडक्ट है, बट एक और सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड बिटुमिन, नॉट अ बिटुमिनस, दैट इज अ बिटुमिन, इट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट वाज आल्सो यूज्ड फॉर द सर्फेसिंग ऑफ रोड, रोड को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके कोल तार हो गया, एंड नेक्स्ट है आपका बचा अमोनिकल लिकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका बचा अमोनिकल लिकर। ठीक है, अमोनिकल लिकर की अगर मैं बात करूं तो अमोनिकल लिकर क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था, पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो आपकी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो डिसॉल्व हो गई। ठीक है, इट मींस ऐसा लिक्विड, द लिक्विड कंसिस्ट ऑफ अमोनिया का मिक्सचर जो होता है, दैट इज, यानी इसके अंदर अमोनिया आ जाती है, पानी के अंदर अमोनिया आ जाती है, सो अमोनिया, द लिक्विड प्लस अमोनिया, यानी द मिक्सचर ऑफ अमोनिया इन द वॉटर, वी कैन से द मिक्सचर ऑफ अमोनिया इन वॉटर, अमोनिया का पानी मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ अमोनिया इन वॉटर। ठीक है, अमोनिया इन वॉटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अमोनिकल लिकर। ठीक है, अमोनिया मतलब होता है NH3, अमोनिया कहलाती है NH3, क्योंकि नाइट्रोजन इसके अंदर, सो इट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर, इसको यूज करते हैं। तो जो हमारा सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज, एक तो गैसेस इम्प्यूरिटीज होती है, गैस की फॉर्म में रहती हैं और वो बाहर निकल जाती है कोल गैस, जो इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन हो जाती है, दे फॉर्म द स्टिकी लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द कोल तार, एंड सम ऑफ द इम्प्यूरिटीज डिसॉल्व इन द वॉटर एंड दे फॉर्म द
सॉल्यूशन ऑफ द अमोनिया, दैट इज द मिक्सचर ऑफ अमोनिया इन वाटर, सो दैट इज कॉल्ड द अमोनिकल लिकर. क्या कहलाता है ये? अमोनिकल लिकर. एंड इट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, सो इट कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर इन फील्ड. इसको यूज किया जाता है. दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल एंड देयर डिफरेंट यूजेस इन द वेरियस फील्ड. सो द टॉपिक विल बी ओवर रिगार्डिंग विद द कोल. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट विद द बुक. लेट्स सी व्हाट इज द कोल. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम. आप देखेंगे कोल क्या है. कोल एंड पेट्रोलियम वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स. देन सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. ये मैंने आपको बता दिया था कि हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स यूज करते हैं जो हमें नेचर से मिले हैं एंड देन हैव बीन मेड बाय एफर्ट्स, जो हमने खुद ने बनाए हैं. तो यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल्स के नाम लिखने हैं जो आपको नेचर से मिले हैं एंड दैट वॉज ऑब्टेन्ड बाय योर मैन मेड. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वॉटर एंड सॉइल एंड मिनरल्स? आप इनको कहाँ डालेंगे? नेचुरल में डालेंगे. सम ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दीज आर ऑब्टेन बाय नेचर, क्योंकि आपको किससे मिले हैं? नेचर से मिले हैं. सो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. क्या कहलाते हैं ये? आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं. कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? कभी समाप्त नहीं होते. इसमें पूछा क्या हमारे एयर वाटर सॉइल कभी एग्जॉस्ट होते हैं? नो. You have already studied about water in class 7. Is water is limited resource? No. Water हमारा in the light of the availability of various resources in nature, in the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified in two kind. दो type के होते हैं, दो divide किए गए. कुछ हमारे limited है, कुछ unlimited है. उसके आधार पर first one is that inexhaustible natural resource. These resources are present in unlimited nature. Unlimited इनकी हमारी मात्रा जो है sufficient है, sufficient quantity में है, and are not likely to be exhausted by human activities. कभी समाप्त नहीं होते. So they are called sunlight and air. Exhaustible, which are these resources in nature are limited in stock and can be exhausted by human activities. और क्या हो सकते हैं? कभी समाप्त हो सकते हैं. Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coal and पेट्रोलियम. क्या कहलाते हैं ये? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है. ठीक है, हमारे सारे वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम. जैसे फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, हमारा पेड़ जल गए तो दोबारा बनने में उनको बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, वाइल्ड लाइफ साइड डिस्टर्ब हो गई तो बनने में दोबारा टाइम लगेगा. मिनरल्स हैं, मिनरल्स जमीन के अंदर होते हैं, अगर आपने सारे निकाल लिए मिनरल्स तो खत्म हो जाएंगे, दोबारा से फॉर्मेशन में टाइम लगेगा. तो वी कैन से दीज आर द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. क्या कहलाते हैं हमारे? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, आगे देखते हैं इसमें. नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट है. अज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर्स रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ये हमारे नेचुरल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तीनों नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट दीज आर लिमिटेड इन स्टॉक. ईच ग्रुप मे हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न. आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रेडी? इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम. यानी पहले की जो जनरेशन होती थी बहुत कम यूज करती थी, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हमारा ये कुछ मटेरियल है वो बच जाए. इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन, बहुत कंसर्न हुआ करती थी और इतना ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट नहीं करती थी. सो लेफ्ट समथिंग फॉर देम, उनके लिए छोड़ दिया. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. कैसे बनते हैं, इनका क्या यूजेस है इनसे. दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड और रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स. क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स, यानी द अनडिकम्पोज पार्ट ऑफ द डेड बॉडी. दैट इज कॉल्ड, दैट इज प्रेस्ड इन द सॉइल ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड दैट मे फॉर्म फॉसिल एंड कन्वर्ट अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट कन्वर्ट इन टू द फॉसिल फ्यूल. डिस्कस करते हैं इसमें व्हाट अबाउट द कोल. यू मे हैव बीन कोल. अब आपने समझ में आ गई, कोल क्या? एक फॉसिल फ्यूल है बिकॉज इट इज ऑब्टेन बाय द डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अंडर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. यू मे हैव सीन कोल, हर्ड अबाउट. इट इज हार्ड एज अ स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर. ये मैंने डिस्कस कर दिया आपको. कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, हीटिंग पर्पज में यूज किया जाता है. अर्ली इट वॉज यूज इन द रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले भाप के इंजन जो है, भाप के इंजन चलाया जाता था, उसमें कोल का यूज किया जाता था. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि जो कोल है उसको बर्न करके हीट प्रोड्यूस की, सॉरी भाप बनाई जाती थी और भाप से स्टीम इंजन चलाया जाता था. इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर स्टेशन में भी इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की बनाने के लिए. कोल इज ऑल्सो यूज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. के अलावा कोल का यूज बहुत सारी इंडस्ट्री में भी हीटिंग पर्पज के लिए किया जाता है. स्टोरी ऑफ कोल.
वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म, बता दिया मैंने आप कैसे बनता है कोल की। सबसे ज्यादा झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में कोल माइंस है। माइंस का मतलब होता है जहां पे कोल के स्टॉक्स है, जहां से हम जमीन के अंदर कहाँ स्टॉक्स हैं उनको माइंस कहते हैं। जो माइनिंग उनको निकालने का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड माइनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है। जहां पर अंडरग्राउंड जमीन में किसी चीज का स्टॉक को माइंस कहते हैं, और उनका एक्सट्रैक्शन, उनको निकालना, दैट इज अ माइनिंग, कोल माइनिंग। ठीक है, कोल माइंस आर अंडर द अर्थ एंड द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द कोल, दैट इज कॉल्ड कोल माइनिंग प्रोसेस। द स्टोरी ऑफ कोल, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, जहां पर दलदल होती थी बहुत ज्यादा, बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, एंड दिस फॉरेस्ट गॉट बिरीड अंडर द सॉइल। नेचुरल प्रोसेस की वजह से, ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से, मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट अंदर चले गए एज मोर एंड मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, उनके ऊपर धीरे धीरे सॉइल कवर अप होती गई, सो दे कंप्रेस्ड, धीरे धीरे कंप्रेस हो गए, दबते चले गए। देन टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे रेसिंग डीपर एंड डीपर, जितना वो नीचे जाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर हाई होता जाएगा अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि मिट्टी ऊपर से कवर अप हो रही है, सो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन नहीं होगी, सो डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू द कोल। और धीरे धीरे वो डेड प्लांट्स, मतलब जो बॉडी का डिकम्पोज पार्ट है वो तो हो गया, जो अनडिकम्पोज पार्ट रह गया लाइक वुड, दैट डज नॉट डिकम्पोज, सो इट कन्वर्ट इनटू द कोल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कोल में। अभी मैंने आपको बताया था कोल कैसे बनता है, धीरे धीरे वाटर की एक्सपेलिंग होती रहती है और कार्बन की अमाउंट उसमें इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एज अ कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोल, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, और इसी डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। सो वी कैन से द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, बिकॉज इट इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन द उसमें जो सब्सटेंस आपका क्रिएट हो रहा है उसके अंदर कार्बन की कंटेंट बढ़ रही है, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्या कहलाता है ये? कार्बोनाइजेशन। ठीक है, सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, क्योंकि रिमेन्स से बनता है कोल, इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। क्या कहलाता है ये? फॉसिल फ्यूल, बिकॉज कोल वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द डेड रिमेन्स। ठीक है, कोल माइन, यहाँ पर कोल माइन दिखाई, कोल माइन अभी मैंने आपको बताया अंडर दर्ट, जहां पर कोयला बहुत सारा स्टॉक में है, दैट इज कॉल्ड कोल माइन, एंड द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड कोल माइनिंग कहलाती है। ठीक है, ये कोल माइन से यहाँ पर आपके इंडिया में बिहार वगैरह में है, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला होता है, रानीगंज में है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. जब कोल को हीट करते हैं, कोल मतलब कार्बन, कार्बन when react with the oxygen, obviously produce carbon dioxide. कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोसेस इन द इंडस्ट्री, लेकिन कोल को अगर हम नॉर्मल कोल को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस हीट। बट इफ इन इंडस्ट्री टू गेट द डिफरेंट, वी गेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कोल, सो कोल इज हीटेड इन इंडस्ट्री, सो कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट द सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोल टार एंड कोल गैस। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो ऑब्टेंड होते हैं कोल से। सो फर्स्ट वन इज दैट कोक, इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, टफ है, बहुत हार्ड है, पोरस है एंड ब्लैक सब्सटेंस, एंड इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके अंदर क्या होता है? प्योर फॉर्म है, अभी मैंने बताया आपको 98-99% इसमें कार्बन होता है, सो इट इज मच ब्लैक इन कलर रादर देन कोल। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, इट मीन्स कि वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में कोक को यूज किया जाता है, एंड इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री। ठीक है, फ्यूल के रूप में भी काम करता है। एंड कोल तार, कोल तार इट इज अ ब्लैक एंड थिक लिक्विड, बहुत गाढ़ा सा लिक्विड है, अनप्लीजेंट स्मेल है, बहुत अनप्लीजेंट स्मेल है, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट। इसकी गंदी सी स्मेल क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, देख रहे हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम कोल तार आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज इन एवरीडे लाइफ इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट। सो वी कैन से कि जो कोल तार है एक्ट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल का काम करता है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं वाइल यूजिंग द कोल तार एज अ स्टार्टिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल। ठीक है, लाइक ड्रग्स बनाए जाते हैं, एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, पेंट बनाए जाते हैं, रूफिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन बाई यूजिंग द कोल तार एज अ रॉ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज टू रिपेल मॉस एंड अदर इंसेक्ट ऑल्सो आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, कोल तार से बनाई जाती है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कोल तार से
ऑब्टेन किए जाते हैं. ठीक है, दिस इज बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट. इट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोलतार फॉर मेटलिंग द रोड्स. अब आजकल कोलतार, जैसे कोलतार जो होते हैं सड़क बनाने काम आता है, ठीक है, इस प्रकार से एक और नया प्रोडक्ट है, नया सब्सटेंस है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से बनाया जाता है. सो इट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोलतार. कोलतार की जगह यूज किया जाता है फॉर मेटलिंग द रोड्स, यानी जो सड़क होती है इनको बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोल गैस क्या होती है. वट इज द कोल गैस. अगर मैं बात करूँ कोल गैस की, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. ठीक है, कोल गैस जब हम कोक, प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी जब हम कोल में से, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम कोल में से वोलेटाइल इंप्यूरिटीज को सारी बाहर निकाल देते हैं तो उसके अंदर जो रिमेनिंग सब्सटेंस बनता है दैट इज द कोक बनता है, और उसके अंदर जो गैसेस प्रोडक्ट होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, गैस की फॉर्म में ही रहता है वो, दैट इज द कोल गैस. यानी जब हम कोल को डिस्ट्रक्टिव विश्लेषण कराते हैं कोल का, सो वी गेट द कोल गैस. क्या कहलाती है कोल गैस. इट इज यूज एज ए फ्यूल. इसको यूज किया जाता है कोल गैस को. इट इज यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर एंड कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. कोल गैस है, गैस का यूज ऑब्वियसली हीटिंग परपसेज जरूर किया जाना है. इट प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हीट. सो कोल गैस जो होती है ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है हीटिंग परपज में. ठीक है, तो ज्यादातर जो कोल माइनिंग होती है, जहां पर कोल आपके कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, वहां पर जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर कोल गैस को यूज करती है. यानी जो आपके कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, यानी जहां पर कोल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन, उसके आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं वो हीटिंग पर्पज में कोल का यूज करती हैं. कहने का मतलब है कि देखिए कोल से चार प्रोडक्ट बनते हैं, कोक, कोलतार, अमोनिका लिकर, और आपको एक बताया था मैंने कोल गैस. ठीक है, अब कोल गैस निकल रही है तो उस कोल गैस, उस जहां पर, जिस जगह पर, जिस प्लेस पर ये बाय प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स कहलाते हैं. कोल प्रोसेसिंग प्लांट जहां पर ये कोल के बाय प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं ना, कोल प्रोसेसिंग प्लांट की जगह कहलाती है कोल प्रोसेसिंग प्लांट. मतलब उन जगहों पर कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन प्रोसेस की मदद से चार प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कोल के. ठीक है, तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर हीटिंग पर्पज के लिए कोल गैस का यूज किया जाता है. यही इसमें लिखा है कि देखेंगे कोल गैस, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इन प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. प्रोसेसिंग में मिलती है एंड इट इज यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री. बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फ्यूल के रूप में यूज करती है फॉर हीटिंग पर्पज, ऑब्वियसली सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट. ज्यादातर वो इंडस्ट्री जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास में होती है. कोल प्रोसेसिंग प्लांट का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया. वट इज द मीनिंग ऑफ कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, यानी द प्लांट्स, द प्लेस दीज आर सिचुएटेड, वेयर द वर्क इज डन फॉर द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल. यानी कोल प्रोसेसिंग प्लांट वो यूनिट्स हैं, वो जगह हैं जहां पर कोल के बाय प्रोडक्ट्स अलग किए जाते हैं बाय द यूजेज ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन. समझ रहे, कोल प्रोसेसिंग प्लांट वहां पर वो जगह जहां पर बड़ी बड़ी फर्नेसेस, भट्टियां लगी होती हैं, जहां पर कोल को हीट किया जाता है 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, काम करते हैं. और उन फैक्ट्रीज में क्या काम होता है, कोल के चार प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, कोल गैस बनती है, कोलतार, अमोनिया लिकर बनता है, कोक बनता है. अब जो आपकी कोल गैस बनती है वो कोल गैस सप्लाई कर दी जाती है आसपास की इंडस्ट्रीज में. तो जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उनके आसपास की जो इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती हैं, चाहे वो रबर इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री हो, चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, जो आसपास की, उसके आसपास की जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास की इंडस्ट्रीज हैं, वो वहीं से क्या करती हैं, कोल गैस की सप्लाई ले लेती हैं. ठीक है, और अपने यूनिट्स में, अपनी जगह, अपने फैक्ट्रीज में क्या होती है, वेरियस पर्पज में उसका यूज करती हैं, हीटिंग पर्पज के लिए यूज करती हैं. तो ये कहता है कि इट इज यूज एज अ फ्यूल. कोल गैस को यूज किया जाता है फ्यूल के फॉर्म में इन मेनी इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, जहां जो फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज ज्यादातर कहां पर होती है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास होती है, वो ज्यादातर कोल गैस का यूज करती है. ठीक है, सबसे पहले कोल गैस का यूज कैसे किया गया देखेंगे. कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग. सबसे पहले कोल गैस का यूज किया गया स्ट्रीट लाइटिंग के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड न्यूयॉर्क अराउंड 1820. यानी सबसे पहले जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है कोल गैस का यूज, यानी हम कह सकते हैं कोल गैस का दो टाइप के मेन यूज है, एक तो लाइटिंग पर्पज से और सेकेंड वन एज अ फ्यूल, फ्यूल के फॉर्म में याद रहे फॉर हीटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले कोल गैस का यूज लाइटनिंग के लिए किया गया था. ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग के फॉर्म में काम करता था. सबसे पहले कहाँ यूज की गई, लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में यूज किया गया 1820 में. ठीक है, कोल गैस का यूज किया गया फॉर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए. बट नाउ इट इज, इट इज यूज एज सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट. लेकिन आजकल इसका लाइटनिंग की बजाय एज अ सोर्स ऑफ हीट काम आता है. डिफरेंट इंडस्ट्री जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो ज्यादातर इसको हीटिंग पर्पज के लिए यूज करती हैं. तो ये आपका हो गया कोल से रिलेटेड प्रोडक्ट, कोल से रिलेटेड जो मैटर है हो गया. नाउ दैट नेक्स्ट टॉपिक इज दैट पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोलियम
देखिए पेट्रोलियम वो नहीं है जो पेट्रोल है, आप पेट्रोलियम से समझे कि पेट्रोल है कि जो आप गाड़ियों में डलवाते हैं, दैट इज नॉट पेट्रोल, दैट इज अ पेट्रोलियम बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी यूज, क्योंकि पेट्रोलियम जो है बहुत सारे सब्सटेंसेज है उसके अंदर, सो वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली पेट्रोलियम, सो इट इज अ मिक्सचर, सो वी कैन से इट इज अ क्रूड ऑयल, इसको क्या कहते हैं क्रूड ऑयल. लेकिन इस पेट्रोलियम एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे देश के लिए, जो कि हमारे देश को पूरे वर्ल्ड को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो दिस पेट्रोलियम इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, उसको काला सोना कहते हैं ब्लैक गोल्ड, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वन लिक्विड. एक लिक्विड के अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ आपके सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अलग करना जरूरी है. ठीक है, तो पेट्रोलियम को अलग करने के लिए देखिए मैं एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कैसे होता है कि पेट्रोलियम जो होता है क्रूड ऑयल कहलाता है पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोलियम इज द फ्यूल, कोल इज, देखो कोल ऑफ उसमें अंतर क्या है. ठीक है, कोल जो आपने पढ़ा इट इज द फ्यूल, फ्यूल मतलब इट इज द सब्सटेंस दैट गिव्स हीट ऑन बर्निंग, बट इट इज सॉलिड फ्यूल. कैसा फ्यूल है? सॉलिड फ्यूल. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम दैट इज द लिक्विड फ्यूल. किस स्टेट का फ्यूल है? लिक्विड फ्यूल है. इट इज द फ्यूल दैट गिव्स द हीट ऑन बर्निंग, सो इट इज द स्टेट इज इन लिक्विड स्टेट पेट्रोलियम, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉम्पोनेंट्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉम्पोनेंट्स. बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो इन सारे मिक्सचर एक ही लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं. सो वी कैन से कि पेट्रोलियम इज नॉट डायरेक्टली यूज, सो इट इज, सो रिफाइनिंग इज डन. तो जरूरी है कि इन सारे सेवरल, माना इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मैं ले लूं, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नेचर के इसके अंदर सब्सटेंस मिले हुए हैं. तो इसी वजह से क्योंकि ये मिक्सचर है तो वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली पेट्रोलियम एज सच, हम इसको यूज नहीं कर सकते. सो इट इज नेसेसरी टू सेपरेट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स. इसके जितने भी कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना बहुत जरूरी है. ए को अलग कर दिया जाए, बी को अलग कर दिया, सी को अलग, डी एंड सो ऑन, सबको अलग अलग करना जरूरी. सो वी कैन यूज डायरेक्टली ए, डायरेक्टली बी, डायरेक्टली सी, तो हम डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को डायरेक्टली यूज कर सकें. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, सो दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग. क्या कहलाता है? रिफाइनिंग. ठीक है, रिफाइनिंग कहते हैं जैसे किसी चीज को साफ करना. रिफाइनिंग का मतलब है क्लियर करना उसको. ठीक है, मान लो पानी में कंकड़ पत्थर मिले हो. ठीक है, तो पानी को में से आप क्या करोगे? पानी को फिल्टर करोगे ताकि उसमें से जो है आपके जो उसमें पेबल्स वगैरह मिले हुए, सैंड मिली हुई है वाटर के अंदर, वो सारे क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए. अगर आप पानी में से मिट्टी पत्थर अलग करते हो, सो दैट वॉज द रिफाइनिंग. आप क्या कर रहे हो? उसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं, आप उसको साफ कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह पेट्रोलियम, दिस इज अ क्रूड ऑयल. किस नाम से जाना जाता है? क्रूड ऑयल के नाम से. देख रहे हैं, CRUD, क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल कहते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल कॉम्पोनेंट्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉम्पोनेंट्स, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स का मिक्सचर होता है. सो दैट्स वाई इट वॉज नॉट यूज डायरेक्टली एज सच. सो इट इज नेसेसरी टू सेपरेट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, सो वी कैन यूज इट सेपरेटली. हम उनको डायरेक्टली, फिर हम उनको सेपरेटली यूज कर सकते हैं. सो द प्रोसेस टू सेपरेटिंग दीज प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग. इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? रिफाइनिंग. एंड द रिफाइनिंग इज डन एट द प्लेसेस, उन प्लेस का नाम जहां पर ये रिफाइनिंग का काम किया जाता है, दीज आर कॉल्ड द रिफाइनरीज. ठीक है, उन प्लेसेस को क्या कहते हैं? रिफाइनरीज कहते हैं. एंड द प्रोसेस बाय विच रिफाइनिंग इज डन, जिस प्रोसेस की मदद से रिफाइनिंग की जाती है, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टॉपिक तो आगे क्लास में आएगा, फिर मैं शॉर्ट में बता दूंगा वो कैसे लगता है यहाँ पर. तो इट मीन्स वी कैन से पेट्रोलियम इज अ काइंड ऑफ लिक्विड फ्यूल. इट इज अ फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इट इज अ लिक्विड फ्यूल बिकॉज इट स्टेट इज इन लिक्विड फॉर्म. इट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल. इट इज क्रूड ऑयल कहते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल कॉम्पोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल. बहुत जरूरी है हमारे लिए, एनर्जी के लिए. सो क्रूड ऑयल है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स जस्ट इन वन लिक्विड. एक ही लिक्विड में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स मिले हुए हैं, जस्ट लाइक मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉम्पोनेंट. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल. बट दीज ऑल द कॉम्पोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर अवर कंट्री, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. क्या, किस नाम से जाना जाता है इसको? ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं. ठीक है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके अंदर. सो दिस इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं. सो अब हमें जरूरी है कि हम डायरेक्टली इस मिक्सचर को यूज नहीं कर सकते, सो इट इज नेसेसरी टू सेपरेट द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम, ABCDEFG एंड सो ऑन, इनके अलग नाम है. सो दिस कंसेप्ट, दिस प्रोसेस टू सेपरेट दीज कॉम्पोनेंट्स ABCD एंड सो ऑन, इन सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग करना, इन सारे कॉम्पोनेंट्स को अलग करना, द कंसेप्ट इज कॉल्ड रिफाइनिंग. क्या कहलाता है? रिफाइनिंग. द प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग. इस प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग. रिफाइनिंग मतलब शुद्ध करना. जैसे अभी मैंने आपको बताया, पानी में मिट्टी है, पानी में क्ले है, पानी में आपके
पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, तिनके पड़े हुए हैं, कुछ भी चीजें हैं, तो उनको पानी में से आप निकालते हैं ताकि पानी क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो पानी में इन सब चीजों को रिमूव करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। क्या कहलाते हैं? रिफाइनिंग। तो यहाँ पर एक ही लिक्विड के इन सारे कंपोनेंट्स हैं, समझ रहे हैं बात? ये सारे कंपोनेंट्स एक ही लिक्विड में है। तो आपका वर्क क्या है कि हम इन सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर दें, सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दें, ठीक है, एंड दैट वर्क दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। इसी चीज को हम रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहलाती है ये? रिफाइनिंग कहलाती है। और ये काम जहां पर किया जाता है, जिस जगह पर ये काम किया जाता है, द प्लेस वेयर द रिफाइनिंग इज डन, जिस जगह पर ये रिफाइनिंग की जाती है, दीज आर कॉल्ड रिफाइनरीज। क्या कहलाती है ये? रिफाइनरी। सबसे पहले हमारी मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, आपने मथुरा में नाम सुना होगा, मथुरा में है आपकी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, रिफाइनरीज के नाम से, मथुरा ऑयल रिफाइनरी के नाम सुना होगा, मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी का मतलब वहां पर पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल को उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग किया जाता है। बहुत बड़ी रिफाइनरी है मथुरा ऑयल रिफाइनरी के नाम से। दिस इज अ रिफाइनरी, रिफाइनरी बिकॉज हियर द पेट्रोलियम वॉज सेपरेटेड इन टू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। यहां पर पेट्रोलियम से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एलपीजी, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सो मेनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम वॉज सेपरेटेड इन द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, एंड द प्रोसेस वॉज डन रिफाइनरीज में। देखो मैंने क्या कहा, रिफाइनिंग का मतलब होता है डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को अलग करना। कहां पर किया जाता है ये काम? रिफाइनरीज में किया जाता है। और रिफाइनरीज में जिस प्रोसेस की मदद से ये काम किया जाता है, रिफाइनिंग का काम जिस प्रोसेस की मदद से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किस नाम से जाना जाता है वो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, होल कॉन्सेप्ट ऑफ कोल एंड द सम कॉन्सेप्ट ऑफ द पेट्रोलियम। आई विल डिस्कस लेटर अबाउट द पेट्रोलियम इन डीप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।